Hi guys, this is NK Rao from Junior Study Channel. Don't mug up, try to build up rationalogical study. जी हाँ, तो आपने थंबनेल देखकर समझ ही गया होगा कि कुछ बच्चे जो कैटेगरी जो है SC मेंशन कर दिए थे, लेकिन उनका कैटेगरी OBC में था, तो उनको जॉब नहीं मिली थी। तो चलिए हम लोग चलते हैं RRC हाजीपुर का जो ऑफिशियल साइट है, ये आप देख सकते हैं RRC का ऑफिशियल साइट है जी, हाजीपुर वाला। तो इसमें आज ही के डेट में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है फॉर दोज कैंडिडेट हु रिजल्ट हैज़ बीन पेंडिंग ड्यू टू डिस्प्यूट ऑफ कम्युनिटी स्टेटस, यानी जो कम्युनिटी स्टेटस जो उनका डिस्प्यूट है उसकी वजह से क्या हुआ है जी, उनका रिजल्ट पेंडिंग में डाल दिया गया है। तो इस तरह देख सकते हैं आप लोग अपने अपने कम्युनिटी को ये निश्चित कर लें कि आप किस कम्युनिटी में किस कैटेगरी में है जी, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भरते वक्त अगर अपना पता नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैटेगरी हैं, कास्ट हैं, जिनका क्या है जी कि सेंटर में अलग होता है कैटेगरी, और सेंट्रल लिस्ट में अलग होता है, स्टेट लिस्ट में अलग होता है जी। तो इस तरह आप लोग कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल लिस्ट ही देखा जाता है इसमें, ठीक ना। सेंट्रल लिस्ट भी हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो सेंट्रल लिस्ट में देखने पर ही आपको पता चलेगा। सॉरी, तो आप देख सकते हैं इसको हमने PDF को खोला है, इसमें लिखा हुआ है, पहले में लिखा हुआ देखिए, जैसे लोहार जो जाति है जिन्होंने आवेदन लोहार जाति में ST कैटेगरी को दर्शाया था, जबकि लोहार जाति जो भारत का राजपत्र जो है 93 वाला उसमें OBC दिया गया है जी। तो लोहार SC में नहीं, ST में नहीं है, अभी OBC में है। तब इन बच्चों को क्या किया गया, अभी लो तो ST का अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाएंगे नहीं, तो ST का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखाने की वजह से इनको जाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में। अगर इस जनरल कैटेगरी के मेधा सूची में आएंगे तो इनका रिजल्ट दिया जाएगा, अगर ये नहीं आते हैं तो इनको बाहर कर दिया जाएगा जी। यानी आपने फिजिकल निकाला और आपने स्टेज 1 निकाला, अगर आपने फॉर्म भरने में गलती कर दी तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी जी। और इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट सब कुछ जान ले ओके से, कि आप क्या हैं, OBC में कौन से हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर हैं। SC ST में तो कोई उतना ज़्यादा झंझट नहीं है, लेकिन OBC में है। फिर से जनरल में भी EWS सर्टिफिकेट बनवाने में बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि जो कास्ट EWS में बात किया जाए तो EWS में जो जनरल वाले हैं, तो कुछ कैटेगरी ऐसे भी हैं जो स्टेट में OBC आते हैं और सेंट्रल में जनरल आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, स्टेट में OBC आते हैं, जैसे बिहार गवर्नमेंट से मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पे एक सैंथवार जाती है जो आपको ये जनरल कैटेगरी में आती है सेंट्रल लिस्ट में, और बिहार गवर्नमेंट OBC आती है। तो ये लोग अगर EWS का सर्टिफिकेट बनवाने गए तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो कास्ट सर्टिफिकेट इनका जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना के दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग बिहार में OBC हैं, आपका बिहार गवर्नमेंट अगर सर्कुलर जारी करेगा तो हाँ आप लोग जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे तो आपका EWS का सर्टिफिकेट बनेगा। तो इतना सारा डिस्प्यूट है जी। वैसे ही बहुत सारे ऐसी कैटेगरी हैं, जैसे आप यहाँ पे लोहार का एग्जांपल देखें, लोहार को ऐसे बहुत सारे इलेक्शन हुए तो उस समय बहुत सारे ऐसे प्रोसेस चले और नेता वगैरह ST में बहुत सारा हंगामा किए कि ST मिल गया, और बहुत सारे लड़के भर भी दिए, और देखिए उनको अभी परेशानी हो रही है कि 130 लड़कों को छांट दिया गया है जी। इसमें लास्ट में आपको दिखाया जाएगा, देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे रोल नंबर दिखाया गया है, और ये लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रूव नहीं कर पाए, कम्युनिटी प्रूव नहीं कर पाए सही से, तो इनको क्या किया गया जी, जॉब से निष्कासित कर दिया। वैसे ही बता रहा है, तांती तत्वा टाटी ततिन जो जाति है इन लोगों को भी जी अभी SC में जो दर्शाए हैं, लेकिन ये लोग रियली में किस में है जी, OBC में है। तत्वा, तांती, ताती और ततिन ये सब किस कैटेगरी में है जी, OBC में है, लेकिन इन लोगों ने SC में दिखाया था, तो इन लोगों का भी क्या किया गया है जी, कैंडिडेट रद्द कर दिया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप मेरिट लिस्ट में अगर हो गए तो आप तो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा पोस्ट, लेकिन अगर आपने OBC भी हैं तो OBC का भी आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू हो गया है, और इसमें कम से कम आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 130 लड़कों का लगभग कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इन लोगों को जॉब मिलने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, यहाँ आप देख सकते हैं आपको 130 लड़के हैं जी, यहाँ पे उनका रोल नंबर मेंशन कर दिया गया है। ये RRB मैं बता देना चाहूँगा, RRB हाजीपुर जो आप देख सकते हैं, RRB हाजीपुर का ये ऑफिशियल साइट है जी, ठीक है। यहाँ पे RRC ECR पटना का ऑफिशियल साइट पे आएगा, इसमें आएगा नोटिफिकेशन बोर्ड में आएगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा जी
2 अगस्त को ही मिलेगा नोटिस, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी फॉर्म भरे, अप्लीकेशन फॉर्म की गलती है जी, अप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपने ध्यान नहीं रखा तो देखिए आपको इतनी सारी झेलनी पड़ेगी। तो ये सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपना जब भी फॉर्म भरें तो ये सतर्क रहें कि आपका सेंट्रल लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है जी। हर कैटेगरी को सेंटर में अलग दिया जा सकता है, स्टेट में अलग दिया जा सकता है जी। तो ये आप लोग कंफर्म करें, जब आप सेंट्रल का फॉर्म भर रहे हैं तो सेंट्रल के अकॉर्डिंग भरें, जब आप स्टेट का भर रहे हैं तो आप स्टेट के अकॉर्डिंग भरें। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूरत और जानकारी दी होगी, रेलवे से जानकारी जो भी जनरल हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है जी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। God bless you. I hope enjoy it. Enjoy your life.